और आप गुजारिश करूंगा बिला ताखीर, सईद वारसी साहब के बहुत पुराने साथी हैं, देरीना साथी हैं, और उन्हीं को अगर गुजारिश करूंगा, प्रोफेसर डॉक्टर नईम कुरैशी साहब को, वो कि इनका मुकाम ये नहीं है, बहुत सीनियर शायर हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, इनकी अपनी बहुत बड़ी किताब लिखी गई है, कई इनके ऊपर फिल्में बनी हैं, जो डॉक्यूमेंट्री बनी है इनके ऊपर, और बहुत खूबसूरत लबो लहजे के शायर भी हैं, लेकिन मुशायरों से हमेशा अवॉइड करते रहे, और मेरी दरख्वास्त पर पहली बार तशरीफ लाए हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नईम कुरैशी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। कहते हैं कि सिलवटें जो रूह में किसको मलाल है, हैं सिलवटें जो रूह में किसको मलाल है, हाँ सूट की क्रीज का सबको ख्याल है। क्या बात, मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर नईम। बहुत शुक्रिया जनाब शोएब साहब। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मुझे यानी ये मौका दिया, और मिजाजन आप जानते हैं कि मैं मुशायरों का शायर नहीं हूँ। 70 की दहाई में जब सईद वारसी साहब ने हमें परवान चढ़ाना शुरू किया था, तो उस जमाने में जो अदबी नशे, आज मैं थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत दें तो सईद वारसी साहब के हवाले से ज्यादा बोलूँ, क्योंकि शायरी तो बहरहाल है अपनी जगह, तो थोड़ा सा उनका हल्का सा तारुफ यूँ करा दूँ कि मैं आज जिस जगह बैठा हूँ उसमें सईद वारसी साहब का बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई जब ये शोएब ने मुझसे कहा कि हम उनके याद में एक मुशायरा कर रहे हैं, और इन्हें पता है शोएब को कि मुशायरों में मैं आमतौर पर नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं सईद वारसी साहब का मकरूज था और मकरूज हूँ, तो मैंने कहा कि मैं उसमें जरूर शिरकत करूँगा। सईद वारसी साहब का जो पोस्टर पर सने पैदाइश लिखा है उससे मैं 3 साल छोटा हूँ, लेकिन सईद वारसी साहब के साथ मैं जब अटैच हुआ मेरा, या जैसे अभी नज़ीर ताहिर साहब के साथ इन्होंने जिक्र किया था कि वो फाउंडर मेंबर हैं, तो नज़ीर ताहिर साहब फाउंडर मेंबर तो नहीं है, बहुत देर से शामिल हुए, लेकिन नज़ीर ताहिर का कंट्रीब्यूशन बहुत है। बिला शुबा ये मुझे एतराफ करना चाहिए कि हम कुछ अरसे बाद निकल गए थे अपने मुस्तकबिल के लिए, नज़ीर ताहिर ने मजलिस समाजी कारकुनान को दोबारा कदमों पर खड़ा किया, नज़ीर ताहिर ने बेतहाशा काम किया, मैं उन्हें भी खराज अकीदत पेश करता हूँ, क्योंकि मरने वाले को तो सभी करते हैं, जिंदगी में भी कर देना चाहिए। हम 10-11 लोग थे, हमारी उम्र 14-15 साल थी उस जमाने में, गलियों में खराब। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे सर? नहीं, महसूस हो रहे हैं। अच्छा, बड़े नवाज़, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा हक अदा नहीं होगा अगर मैं कुछ उनके बगैर, तो बहुत मुख्तसर बात यह कर देता हूँ कि मैंने उनके साथ, हम लोगों ने 8-10 आदमियों ने एक फाउंडर मेंबर की हैसियत से एक छोटी सी दुकान में शाह फैसल कॉलोनी में 1965 में उन्होंने एक दुकान किराए पे ली थी, उस वक्त खुद तालिब इल्म थे जामिया मिल्लिया कॉलेज के, और हम लोग स्कूल गोइंग थे, स्कूल जाते थे, मैं एयरपोर्ट स्कूल में पढ़ता था, तो हमें गली मोहल्लों की कूचों से वो गिल्ली डंडा उस जमाने का मौजूद खैर था, ये आजकल का दौर तो है नहीं, और ये जहां मजलिस समाजी कारकुनान आज है उसके साथ ही एक टाट का एक गोदाम स्कूल था जिसपे मैंने 1 से 5वीं तक पढ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वहां से मैंने तालीम हासिल की, बल्कि सारी मेरी तालीमी पीले स्कूलों की है। तो कहने का मकसद ये था कि सईद वारसी साहब की उम्र भी इतनी नहीं थी, वो चाहते तो खुद भी उस वक्त लग्जरी सिनेमा था वहाँ 3 से 6 और 6 से 9 वाला शो देख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हमें बुलाया, हमें बिठाया, हमारे रेशे भी मूछे भी नहीं आए, वो बाल भी नहीं आए, और उन्होंने, वो खुद बहुत जवान थे बिल्कुल, जिसका जाहिर 3 साल का फर्क का मतलब है हम 15 से 14 के, तो वो 18 के थे उस वक्त, उन्होंने उस एक दुकान में सामाजिक कारकुन कायम की, और इसका मंशूर शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, हमने कुरानी आयात है वतावनु अलल बिर वत्तक्वा वला तावनु अलल इस्मे वल उदवान, यानी नेकी करो और भलाई में और मत करो जुल्म और बुराई में, शायद इसका मफहूम ये, अगर मैं गलत पढ़ा हूँ तो माफ कर दीजिए, तो हमने इसका ये वो रखा और उसके तहत फिर हम काम करते रहे, बहरहाल एक बड़ी रफाकत रही। अब मैं अगर आप इजाजत दें तो गजल के, और ये गजल भी की तरफ माइल भी उन्होंने किया, हमने लिखना पढ़ना भी उन्हीं के वक्त शुरू किया, सबसे पहले एक बुरासला मैंने लिखा था डिग्रोड महाजिर कॉलोनी में कुत्तों की बौतार, तो वारसी साहब ने कांधा ठोक कर कहा था इसको जंग अखबार में
एक लिफाफे में डालकर भेज दो, और वो छप भी गया था। तो उस छपने की वजह से जो हमें इनिशिएटिव मिला, तो फिर हमने लिखना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तारुफ इन्होंने करा दिया, उसकी जरूरत नहीं है। सिफर से 21 तक एक किताब जो मुझ पर लिखी गई है, उसमें सारे दोस्तों ने अहवाल बयान किया है। तो आज मरहूम को आज मरहूम को खराज अकीदत पेश करने के लिए अल्फाज नहीं है, लेकिन आज मेरा सारी तरबियत या मेरा सारा मकाम जो मेरी सिफर से 21 तक किताब है, मतलब यही मेरा है कि जीरो से लेकर 21 ग्रेड तक कैसे पहुंचा, ये सब सईद वारसी साहब का मरहूम ने मिन्नत है। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, शोएब भाई को इसकी जजा दे। आप इजाजत दें तो मैं गजल के चंद शेर आपकी खिदमत में अर्ज करूं। जी इरशाद जी, खासा टाइम लिया है मैंने, और रदीब भी थोड़ी सख्त है, और शेर है मतलब है, आईना साज बताएं कभी हारा पत्थर, आईना साज बताएं, बताएं कभी हारा, आईना साज बताएं कभी हारा पत्थर, जब भी शीशों से तसादुम हुआ जीता पत्थर, जब भी शीशों से तसादुम हुआ जीता पत्थर। और मैं ये कहता हूँ मेरे अहद का मंसूर मारा, मैं ये कहता हूँ मेरे अहद का मंसूर मारा, लोग कहते हैं कि रस्ते से हटाया पत्थर। मैं ये कहता हूँ, ये एक तारीखी पस मंजर का शेर है कि जब किसी शख्स को लटका दिया गया था, तो मैं ये कहता हूँ मेरे अहद का मंसूर मारा, लोग कहते हैं कि रस्ते से हटाया पत्थर, और कितनी सदियों के फसानों की अमानत होगा, कितने सदियों के फसानों की अमानत होगा, राह में मेरी तरह कोई अकेला पत्थर, राह में मेरी तरह कोई अकेला पत्थर। और शेर सुनिए कि दस्ते आजर को अता नुदरत फन किसने की, दस्ते आजर को अता नुदरत फन किसने की, मेरे माबूद बता किसने बनाया पत्थर, दस्ते आजर को अता नुदरत फन किसने की, मेरे माबूद बता किसने बनाया पत्थर, और कब्र की लौह से ऐवाने शही तक देखा, कब्र की लौह से ऐवाने शही तक देखा, हमने हर रंग में एक रंग का पाया पत्थर, हमने हर रंग में एक रंग का पाया पत्थर। और शेर सुनिए सर, मतलब ये फी जमाना मिजाज के शेर नहीं है, क्योंकि हमने जो बीती है हम पर वो रकम कर किया है, कि बारिशे संग मदावाए मोहब्बत तो नहीं, बारिशे संग मदावाए मोहब्बत तो नहीं, शहर के शहर ने फिर क्यों उठाया पत्थर, शहर के शहर ने क्यों आज उठाया पत्थर, यानी बारिशे संग मदावाए मोहब्बत तो नहीं, शहर के शहर ने क्यों आज उठाया पत्थर, और हाँ वही शख्स जिसे अपना समझता था नईम, हाँ वही शख्स जिसे अपना समझता था नईम, हाँ उसी शख्स ने मारा मुझे पहला पत्थर, वही शख्स, हाँ वही शख्स जिसे अपना समझता था नईम, हाँ उसी शख्स ने मारा मुझे पहला पत्थर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर नईम कुरैशी साहब, इसे पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नईम भाई कि आपने डॉक्टर सईद वारसी साहब की वजह से आज इस महफिल में शिरकत की, और मैं समझता हूँ मैंने इससे पहले आपको किसी मुशायरे में नहीं देखा कि आप यहाँ तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया।